हाय एवरीवन आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा आज रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है बेसिकली ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम चीज है देखिए ये कॉन्सेप्ट हल्का सा एक इसमें कॉन्सेप्ट में चेंज आता है दोनों में थोड़ा अंतर होता है तो जो तो दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं अलग कर देते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फिर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में देन हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ठीक है तो देखो क्या होता है मान लीजिए एक आ, कोई भी चार्ज है जैसे ये एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक यहां पे क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे क्या है फोर्स लगेगा और ये है इन्फिनिटी पे एक चार्ज है इंफिनिटी पे क्या है एक चार्ज है तो किसी चार्ज को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वही होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला मैंने एक चार्ज है इंफिनिटी पे उस चार्ज को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए उस चार्ज को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जितना भी वर्क डन हमें करना पड़ता है जितना भी कार्य करना पड़ेगा जितना भी काम करना पड़ता है वही कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी या चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डैट बॉडी तो वही कहलाएगी उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ चलिए ये तो हमने बात करी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं ठीक है तो देखिए सेम चीज है बट यहां पे हम किसी बॉडी को नहीं किसी यूनिट मास को लाएंगे कहा किसे लाएंगे यूनिट मास को तो यहां पे कोई अभी तक तो हमने माँ बोल रखा था कोई बॉडी है लेकिन अब वो बॉडी यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में नेसेसरी कंडीशन है कि उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए वन होना चाहिए यूनिट मास होना चाहिए तो अगर बॉडी की जगह हम यूनिट मास लिख देते हैं ला देते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी यूनिट मास ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे यूनिट मास ये सारा खेल चेंज कर देगा यूनिट मास तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डेट पॉइंट तो वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है डिनोट करते हैं इसे वी से कैपिटल वी से और ये बराबर होता है वर्क डन अपॉन मास के इसके बराबर होता है वर्क डन डब्लू अपॉन एम के बराबर होता है स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है जूल पर के जी क्योंकि डन की यूनिट जूल और मास की क्या होती है के जी ध्यान रखना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल उसकी यूनिट क्या होती है जूल ध्यान रखना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है थोड़े से डिस्टेंस के लिए कितनी होती है एमजीएच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करें स्मॉल हाइट की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है एमजीएच जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अभी हमने बात करी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या अंतर होता है अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में तो किसी भी बॉडी के अराउंड मान लीजिए एक बॉडी है इसके अराउंड वो स्पेस जहां पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ये हमारे पास अर्थ है ये क्या हमारे पास ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास का वो स्पेस अर्थ के आसपास का वो स्पेस यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या होगी अर्थ होगी तो अर्थ के आसपास का वो स्पेस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो एक्सपीरियंस हो वही कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड तो अर्थ के आसपास के इस वाले स्पेस में अर्थ के सर्फिस से इस इतने हाइट पे क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड है मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी समझ में आया मतलब यहां पे अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ आएगी तो स्पेस अराउंड द अर्थ या बॉडी इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड तो ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और अगर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसे हम डिनोट करते हैं ई e से और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम एफ का मतलब फोर्स और एम का मतलब मास तो अगर हम मास को यूनिट ले लें तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर तो मास को हम क्या लेंगे यूनिट तो एफ बराबर ई e हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इस कोल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो जब हम किसी यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर वो ज्यादा फोर्स वो जो यूनिट मास है अगर वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पे उस पॉइंट पे क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी अगर वो यूनिट मास कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मास की होती है के तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर के क्लियर हुआ तो द फोर्स एक्सपीरियंसड यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो आई होप मैं क्लियर हो गया कि कल कर, कर दिया मैंने कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कोई सी बॉडी के आसपास का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर हम किसी यूनिट मास को उस ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी खुद के ऊपर वही कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर उस यूनिट मास ने ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया तो स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है और अगर कम फोर्स एक्सपीरियंस किया तो स्ट्रेंथ क्या है कम है मतलब इंटेंसिटी क्या है कम है इसके फॉर्मले की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने ये अर्थ है और ये एक बॉडी है यहाँ पे सरफेस पे सरफेस से थोड़ी ऊपर तो इसका मास स्मॉल इस एम है ये कैपिटल M हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई आर आ गई ठीक है ये रेडियस प्लस हाइट तो आर प्लस एच को स्मॉल इस आर मान लिया तो ये डायग्राम हमने कुछ इस तरह से रिड्रो कर दिया एम mm एम इनके बीच की सेपरेशन होगी आर तो फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में जी एम mm एम अपन आर स्क्वायर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मला होता है ई e बराबर एफ अपॉन एम तो ई e बराबर एफ अपॉन एम अब देखिए एफ कितना है यहाँ पे एफ हमें दे रखा है जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन स्मॉल एम तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई जीएम अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल जी इन कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर क्लियर हुआ तो सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हो गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्लियर हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में एक दो पॉइंट और बात कर लेता हूं ध्यान से सुनना है एक तो ये होता है field का अपॉन स्क्वायर साथ साथ ही जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है उस मास की तरफ होगी जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो यहां पे अगर हम अर्थ की और एक बॉडी की बात करें तो अर्थ कर रही है ना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस तो अर्थ के मास सेंटर की तरफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्लियर हुआ तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है फिर हमने यहां पे उसका फॉर्मुला भी डिराइव किया कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के ऊपर या नाइन्थ की फिजिक्स की वीडियोज के ऊपर ये थ्योरी थ्योरी की वीडियोज हैं अब जब ये थ्योरीज कंप्लीट होंगी तो इनके ऊपर हम इनके न्यूमेरिकल सेक्शन की अलग से एक सीरीज बना देंगे जिससे न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को इनिशियली वो सारी क्लियर हो पाए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें वीडियो को शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें